बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, जावर एजुकेशन न्यूज़ में खुशामदीद। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के पास एक और इश्तहार ला चुका हूं, और वो ये कि इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी IPT के तहत पेशावराना तरबियत प्रोग्राम, और वो है सिर्फ जमशुदा अजला के लिए। तो दोस्तों, इस इश्तहार और इस एडमिशन पर जाने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए जॉब और एजुकेशन की वीडियो लेकर आते हैं। तो दोस्तों, हुनरमंदी का मौका मुआशी इस्तेहकाम का जरिया, ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड पेशावर से मुंसलिक फ़नी तरबियत क़ियाम उत्तम और महाना वजीफ़ा। तो दोस्तों, वहाँ पे आपको फ़नी तरबियत भी दी जाएगी, क़ियाम उत्तम भी होगा और महाना वजीफ़ा भी दिया जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी IPT के तहत पेशावराना तरबियत प्रोग्राम। तो दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने तीन कैटेगरी में तकसीम, इदारा टेक्नोलॉजी दौरानिया नशस्तें। तो इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी खरक में हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंट HSE 3 से लेकर 6 माह तक इसका दौरानिया है और 25 आसामियाँ हैं। तो दोस्तों, उन्होंने यहाँ पर कुछ कवायद और जवाबित भी लिखे हैं। दाखला फारम इदारा हाजिर से ऑफिस टाइम के वक्त वसूल कर सकते हैं। क्लासेस का बाकायदा अजरा 1 जुलाई 2022 से मुतवक्के। दरख्वास्त गुजार की उम्र 18 से 25 साल होनी चाहिए और दरख्वास्त गुजार की कम अज़ कम मेट्रिक साइंस की तालीम होनी चाहिए। तो सिर्फ जामशुदा अजला के उम्मीदवार दरख्वास्त देने के अहल हैं, बाकी नहीं। मुनरबा कोर्स के लिए कम अज़ कम 80% हाजिरी लाजमी है, यानी आपको 80% अटेंडेंस लगाना ज़रूरी है, बसरत दीगर महाना वजीफ़ा सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। और किसी किस्म की रहनुमाई के लिए दिए गए फ़ोन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, 0334-913-7322 और 0336-970-5437। तो यहाँ पे नोट में वो लिखते हैं, उम्मीदवार अपनी दरख्वास्त इरशाद के 15 दिन तक जमा कर सकते हैं। दोस्तों, ये इश्तहार 11/6/2022 को हो चुका है, और 15 दिन कब तक इसके पूरे हो सकते हैं, तो आप इसके लिए काउंट आप कर सकते हो। तो ये इश्तहार इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी बेमकाम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट इंडस्ट्रियल स्टेट इंडस हाईवे करक ने किया है। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें ताकि कबायली जामशुदा अजला के लोग इससे बहाबत हो सकें।